बक्सर नगर थाना इलाके के बुधनपुरवा में अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने गए अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 25 से 30 की संख्या में हथियार से लैस होकर अपराधी जमीन को कब्जा करने पहुंचे थे। इसी बीच मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके लिए इसको एक तरह से रंगदारी कहा जाए, दबंगई कहा जाए, और ये मतलब हम लोग के कॉग्निजेंस में पहली बार ये घटना सामने आई है। और थाने को जैसे सूचना मिली, थाने के लोग वहाँ पहुँचे और उन लोगों में अफरा तफरी मची, उसी में भगदड़ मची, तो उसी में 4 लोग पकड़े गए हैं और 5 हथियार पकड़े हैं। 3 राइफल है, 315 का है, रिवॉल्वर है, पिस्टल है, सब रेगुलर है। कारतूस कितने हैं सर? 78 जिंदा कारतूस हैं, बिंडोलिया है, 4 मोबाइल हैं, जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर है। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने 3 राइफल, 1 रिवॉल्वर, 1 पिस्टल के अलावा 78 राउंड जिंदा कारतूस भी बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने मौके से 4 मोबाइल, 1 जेसीबी मशीन और 1 ट्रैक्टर भी जब्त किया है। वहीं मामले में पुलिस ने 15 लोगों को भी नामजद किया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।